पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम पर ग्रामीण ने जमीन और पैसा हड़पने का आरोप लगाया। ग्रामीण ने इस बात के लिखे शिकायत पुलिस से भी की है, लेकिन विधायक के रसूख के चलते पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम पर जमीन एवं पैसा हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप अमरपुर विकास खंड के बीलगांव निवासी लालवती पति श्याम सिंह ने लगाया है। पुलिस से शिकायत में इनका आरोप है कि इनकी जमीन ग्राम भपसा रैयत में थी, जिसमें 13 एकड़ जमीन का सौदा विधायक ओमकार सिंह मरकाम के साथ 13 लाख रुपए में हुआ था। विधायक ओमकार सिंह मरकाम के द्वारा मेरा खाता खुलवाकर मेरे खाते में 8 फरवरी 2011 को 1,10,000 रुपए जमा कराया, शेष राशि बाद में देने की बात तय हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि आज लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी जमीन के सौदा अनुसार शेष राशि ओमकार सिंह मरकाम के द्वारा नहीं दी गई। ओमकार सिंह मरकाम के द्वारा 13 एकड़ से अधिक जमीन अपने भतीजे के नाम से दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने कहा कि मैं बचपन से दिव्यांग हूं, बोलने सुनने में असमर्थ हूं, मेरे पति भी दिव्यांग है। इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। विधायक के पास मैं 13 एकड़ जमीन बेचा 13 लाख में, तो मेरे को सिर्फ 1,10,000 रुपया पासबुक में है, नहीं बाकी पैसा नहीं दिए। वो धमकी दे रहा है, बस हो गया तो मिल गया करके ओमकार मकान। हमारे जमीन जो है वापसी करें, 26 एकड़ जमीन बकाया था और 13 एकड़ जमीन मैं बेचा था विधायक के पास। पीड़ितों के साथ ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। मैं तो लगभग 1 साल से बता रहा हूँ कि हमारा डिंडोरी विधानसभा 15 सालों से गलत व्यक्ति के हाथ में है। डिंडोरी में उन विधानसभा में उनके द्वारा धोखा के सिवाय कोई काम नहीं किया गया। पहले भी मैंने बताया, मैं कार्यक्रमों में भाषणों में भी लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ, बताता हूँ कि जिसकी 15 साल पहले 5 एकड़ ज़मीन हो तो 15 साल बाद वो 1,000 एकड़ में बदल नहीं सकता। कोई गलत काम करेगा तभी उसकी ज़मीन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। और इन्होंने धोखे में करके अपने आप को एक जनहितैषी बताते हुए लोगों को लूटने का काम किया है, ये स्पष्ट दिखता है। मैं पहले ही बताता था, आज ये प्रूफ हो गए, सामने भी बात आ गई। और मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि हमारे डिंडोरी जिले की रक्षा करने की जरूरत आ गई है। डिंडोरी जिले को आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।